छोटे पर्दे पर अब तक कई ऐसे टीवी सीरियल्स आ चुके हैं जो जबरदस्त हिट साबित हुए हैं। इतना ही नहीं, जिसमें नजर आई कुछ ऑन स्क्रीन जोड़ियां तो घर घर आदर्श कपल के रूप में स्थापित होकर लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी भी हासिल कर चुकी हैं। इन ऑन स्क्रीन कपल्स पॉपुलैरिटी और केमिस्ट्री को देख उन सभी को आगे चलकर कई बड़े बड़े अपकमिंग सीरियल्स ऑफर हुए थे, लेकिन उन सभी जोड़ियों ने ना किसी वजह से उन सीरियल्स को ठुकरा दिया जो नई जोड़ी के साथ आगे चलकर ब्लॉकबस्टर साबित हुए। तो इसीलिए आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको टीवी की टॉप 5 ऐसी ही ऑन स्क्रीन धमाकेदार जोड़ियों से रूबरू करवाने वाले हैं जिन्होंने कई बड़े बड़े अपकमिंग टीवी शोज और प्रोजेक्ट्स को रिजेक्ट कर दिया था। तो फिर आइए जल्दी से जान लेते हैं कि कौन सी हैं वो जोड़ियाँ। नंबर 1, दृष्टि धामी और विवियन डिसेना। सीरियल रिजेक्ट करने वाली जोड़ियों की लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है दृष्टि धामी और विवियन डिसेना का। मधुबाला सीरियल में मधुबाला और आरके की भूमिका निभाकर प्रसिद्ध हुई इस जोड़ी को दोबारा से पर्दे पर साथ लाने के लिए हाल ही में इन्हें एक नए अपकमिंग शो का ऑफर दिया गया था। वो शो है जी टीवी का अपकमिंग शो मंगल भाग्य, जो कुंडली भाग्य का स्पिन ऑफ सीजन है। इसके लिए इन्हें एक जोड़ी के रूप में काम करने का ऑफर दिया गया था, लेकिन इन दोनों ने ही एक दूसरे के साथ चल रही कोल्ड वॉर के चलते इस शो को रिजेक्ट कर दिया, ये कहकर कि ये दोनों एक दूसरे के साथ काम ही नहीं करना चाहते हैं। नंबर 2, जेनिफर विंगेट और हर्षद चोपड़ा। बेपनाह सीरियल में जेनिफर विंगेट और हर्षद चोपड़ा ने आदित्य और जोया की भूमिका निभाकर दर्शकों का खूब दिल जीता था। इसी को देखते हुए इस जोड़ी को एक बार फिर से पर्दे पर साथ लाने के लिए स्टार प्लस का नया शो आपकी नजरों ने समझा हमें में दर्श और नंदिनी की भूमिका ऑफर कर इस शो में काम करने का मौका दिया था, लेकिन इन दोनों ने ही शो को रिजेक्ट कर दिया था। जहां जेनिफर अपने नए शो की शूटिंग में बिजी थी, तो वहीं हर्षद ने अंधे दर्श की भूमिका अदा करने से साफ साफ मना कर दिया था। नंबर 3, पूजा गौर और अरहान बहल। पूजा गौर और अरहान बहल की जोड़ी प्रतिज्ञा सीरियल में प्रतिज्ञा और कृष्णा के रूप में दर्शकों के दिलों में बस गई थी। इसी जोड़ी को दर्शकों के दिल में फिर से बसाने के लिए स्टार प्लस के नए शो मेहंदी है रचने वाली ऑफर किया गया था पल्लवी और राघव की भूमिका के लिए, लेकिन क्योंकि इन दोनों ने अपने ही सुपरहिट सीरियल प्रतिज्ञा के सीजन 2 पर काम करना शुरू कर दिया, तो इसी के चलते इन दोनों ने इस नए सीरियल को रिजेक्ट कर दिया। नंबर 4, सनाया ईरानी और वरुण सोबती। इस प्यार को क्या नाम तू शो में खुशी कुमारी गुप्ता और अर्णव की भूमिका अदा कर मशहूर होने वाली सनाया ईरानी और वरुण सोबती की जोड़ी ने जिस सीरियल को ठुकराया है उसका नाम है बेपनाह। जी हाँ, वही बेपनाह जिसमें जेनिफर विंगेट और हर्षद चोपड़ा ने जोया और आदित्य की भूमिका से हम सभी का दिल जीता था, लेकिन ये सच है कि उनसे पहले ये शो इस जोड़ी को ऑफर हुआ था। यूं तो ये दोनों ही इन किरदारों के लिए एकदम परफेक्ट बैठे थे, लेकिन बावजूद इसके दोनों ने इस शो को करने से मना कर दिया था, वो भी ये कहकर कि ये दोनों किसी नए तरह के सीरियल में काम करना चाहते हैं जो कि नया और यूनिक हो। नंबर 5, कृतिका सेंगर और गुरमीत चौधरी। कृतिका सेंगर और गुरमीत चौधरी की जोड़ी ने भी एक सुपरहिट सीरियल को रिजेक्ट किया है जिसका नाम है जोधा अकबर। जी हाँ, रजत टोकस और परिधि शर्मा से पहले जोधा और अकबर का रोल कृतिका सेंगर और गुरमीत चौधरी को ऑफर हुआ था। ये दोनों ही इस रोल को करने के लिए राजी भी हो गए थे, लेकिन शो को करने के लिए इन दोनों ने काफी ज्यादा हाई फीस की डिमांड की थी और मन मुताबिक फीस ना मिलने की वजह से इन दोनों ने ही इस शो को करने से मना कर दिया। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन सभी जोड़ियों में से किस जोड़ी ने सुपरहिट सीरियल को ठुकरा कर अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती की है? आप हमें उनका नाम और वो रीजन कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और साथ ही साथ टीवी इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसे ही और अनसुनी खबरों को जानने के लिए और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।